नमस्ते आप सभी को। तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं संतोष पारीक आज आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, कैसे इनकी पूजा की जाती है और कैसे क्या व्रत विधि है। तो इसके लिए हमें ना दो लेने पड़ेंगे, कलश और एक पानी का भर के रखना है और एक अहोई माता के आगे रखना है। तो जो अहोई माता के आगे रखेंगे उसके ऊपर ढक्कन लगा के और उसके ऊपर गुड़ की दो डलियां रख देंगे। फिर रोली मोली चावल लेके और अहोई माता का पूजन करेंगे। माता तो ये सब चीज़ें मैंने रख ली है और पूजा माता के करने लग गई हूँ। तो बहुत ही सरल सी विधि है, कोई वो ज़्यादा नहीं है। और व्रत ये रखना चाहिए हर एक बच्चे की माँ को रखना चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी हो। कथा में तो बेटे का बताया गया है लेकिन अपने अब मानते हैं कि बेटा और बेटी बराबर होते हैं, तो उनके लिए पूजा करनी चाहिए और व्रत भी करना चाहिए। इसके बाद में मैंने जो पूजा की जैसे विधि थी वो सारा कुछ मैंने कर लिया और फिर कथा पढ़नी थी। तो ये व्रत भी है ना करवा चौथ की तरह ही होता है, जैसे करवा चौथ पे अपन चांद देख के और फिर भोजन खाते हैं, और यहाँ पे ऐसा है कि एक तारा दिखने लग जाए तभी आप अर्ध्य देके और फिर खा सकते हैं। होई की कहानी। एक साहूकार के साथ बेटा और सात बुआ और एक बेटी थी। एक दिन सातों बुआ और बेटी खन में माटी लेने गई और माटी खोदते हुए ननन के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। तो साहू माता बोली कि अब गुस्से में हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद अपनी भाभियों से बोली कि भाभी मेरे बदले आप कोख बंधवा लो। तो छह भाभियों ने तो मना कर दिया, पर जो छोटी भाभी थी वो सोची कि अगर नहीं बंधवाएंगे तो सासू माँ जी नाराज होंगे, सो उसने अपनी कोख बंधवा ली। फिर उसके कोई भी बच्चा होता तो वो होते ही मर जाता। एक दिन वो पंडितों को बुलाया और बुला के पूछा कि क्या दोष है, तो मेरे बच्चे नहीं होते और अगर होते हैं तो होते ही मर जाते हैं। तो पंडित जी बोले कि तू सुरई माता गाय की सेवा कर, और सुरई माता श्याव माता की भाईली है जिसको तेरी कूख छुड़वा देगी जब तेरे बच्चे होंगे। तो वो खूब सुबह उठी और सुरई माता के सुरई जो गाय थी वहाँ पे जाके वो उसके नीचे सफाई कराती और गोबर वगैरह उठायाती, तो वहाँ पे जो सफाई करती रहती। एक दिन गौ माता ने सोचा कि देखें आजकल मेरी सफाई कौन करता है इतनी सुबह। तो वो सुबह सुबह देखी तो उसने देखा कि एक ये सबसे छोटी वाली बहू है वो सबसे पहले सुबह उठ के और मेरी जो सफाई करके जाती है। तो वो बोली कि गौ माता ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो उसने बोला कि मुझे वचन दो। तब गौ माता ने वचन दे दिया। तो बहू बोली कि श्याव माता ने मेरी कोख बांध रखी है और वो आपकी भाईली है, तो मेरी कोख छुड़वा दो। तो गौ माता ने कहा कि चल सात समंदर पार मेरी वो रहती है और वहाँ पे अपन चलेंगे। तो रास्ते में धूप बहुत थी तो गौ माता और वो दोनों चल पड़े और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और वह पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखने के बच्चे बैठे थे उनको डसने के लिए चला। तो साहूकार की बहू ने देखा और सांप को मार कर डाल के नीचे रख दिया। गरुड़ पंखनी आई और आके साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तो वो बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा और ना ही मैं मारना चाहती हूँ, ये सांप था जो तेरे बच्चे को मारना चाहता था, मैंने तो जीवाया है। गरुड़ पंखनी बोले कि तू तो मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग। तो वो बोले कि सात समुंदर पार सब माता रहती है तो मुझे उनके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर दोनों को बिठाया और सब माता के पास पहुंचा दिया। तो सब माता बोली कि आ बहन बहुत दिन बाद आई, मेरे सिर में जू पड़ गई सो निकाल दे। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ आई है साहूकार की बहू, इससे निकलवा ले। तो साहूकार की बहू ने उसके सिर से जोएं निकाल दी और साहू माता बोले कि तू तो मेरे सर में बहुत सलाई डाली है सो तेरे साथ बेटा और साथ बहू हो। तो उस वो है बोली कि मेरे तो एक भी नहीं है, साथ कहाँ से होंगे। तो साहू माता बोली क्यों कैसे नहीं हुए। तो वो बोले कि
आप वचन दो तब मैं बताऊंगी। तो सा माता बोली कि मैं वचन दे रही हूँ, अगर वचन से उकूं तो मैं धोबी के कुंड पर कांकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कूख तारे पास बंदी पड़ी है। तो सब माता बोली कि तू तो मने बहुत ठग लिया, पर तेरी कूख तो खोलनी ही पड़ेगी, पर अब तो खोलनी पड़सी, तो तेरे घर जा और जो सात बेटा बहू हैं वो तुझे वहां पे मिल जाएंगे, और सात उजमन करना, सात ओहरी मंडाना और सात कढ़ाई करना। वो घर जाके वो घर वापस आ गई और घर पे आके देखा तो सात बेटा सात बहुएं बैठी थी। तो उसने सात ओहरी मंडाई, कोई दीवार पे, कोई मटके पे, कोई कहीं पे, और सात उजमन किया। उसके बाद में सात कढ़ाई करी और उसने अपनी दुरानी जिठानी सबको बुलाया और बोला कि जल्दी जल्दी से दो पूजा कर ले। तो सब आ गए और देवरानी जिठानी अपने घर पे ये बात कर रही थी कि जल्दी जल्दी से सब पूजा पाठ कर लो, नहीं तो देवरानी रोने लग जाएगी, क्योंकि उसके कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ओरी माता ने उसको सात बेटे और सात बहू भी दे दिए। थोड़ी देर में जब वो अपने बच्चे को लेके देखने के लिए भेजा तो वो ऐसे सोचा कि अब तक देवरानी रोई क्यों नहीं। तो बच्चे आके बोले कि माँ जी, आज तो चाची के घर पे होई मंडरी है, खूब उजमन हो रहा है। और जब देवरानी जिठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई देखे तो वो अपनी कूप चुरा के लाई और उसने पूछा कि ये सब कैसे चुराया। तब जब तो वो बोली कि मैंने तो आपने तो कूप बंधाई नहीं थी, तो मैंने बंधाई, तो मैं टाबर थी, बच्ची थी, तो जानती नहीं थी, इसलिए मैंने बंधवा ली। लेकिन अहोई माता ने और साहू माता ने मुझ पे दया करी और मेरी कोख खोल दी। तो हे साहू माता, जैसे उस साहूकार की बहू की कोख खोली, वैसे मारी भी खोलना।